IPL सीजन 14 शुरू होने में अभी कुछ दिन बचे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ बड़ी और बुरी खबरें सामने आ रही हैं। बता दें दोस्तों, 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है इंडियन प्रीमियर लीग, लेकिन 2021 के आगाज से पहले ही दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को कोरोना वायरस हो गया। बता दें दोस्तों, न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी है, जहाँ सोशल मीडिया पर यह खबर सामने आते ही अलग ही बवाल मच गया। ANI को दिल्ली कैपिटल्स कैंप के एक सूत्र ने बताया कि बुरी खबर यह है कि अक्षर पटेल कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए, वह आइसोलेशन में हैं और सभी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली कैपिटल्स को IPL 2021 में अपना पहला मैच 10 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलना है। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अब अक्षर पटेल का इस मैच में ना खेलना तय है, हालांकि अब अगले दो दिन में एक बार फिर उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। लेकिन ऐसे में दोस्तों, ऋषभ पंत ने कप्तानी संभाली है दिल्ली कैपिटल्स की, और उनके सामने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि अक्षर पटेल जिस प्रकार से IPL में 4 ओवर भी करते हैं और 6वें-7वें नंबर पर आके बल्लेबाजी भी करते हैं, तो ऐसे में उनके लिए मुसीबत की घंटी खड़ी हो गई है। देखना दिलचस्प होगा ऋषभ पंत इस मुसीबत से कैसे निकलते हैं और अक्षर पटेल की रिप्लेसमेंट पे पहले मैच में किस खिलाड़ी को खिलाते हैं, क्योंकि इसके बाद दोस्तों अगर COVID-19 टेस्ट में अक्षर पटेल नेगेटिव पाए जाते हैं तो उसके बाद इनको आइसोलेशन में रहने के बाद फिर से मैदान पर लौटने की वापसी मिल जाएगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।